नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में हाल ही में हुए एक भीषण सड़क हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये घटना उस समय हुई है जब एक तेज रफ्तार कार गलत दिशा से आ रही थी और उसने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस टक्कर के परिणाम स्वरूप बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है और इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वीडियो में स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि बाइक सवार एक सामान्य गति से चल रहा है, तभी अचानक से रॉन्ग साइड से आती हुई कार ने उसे टक्कर मारी। इस टक्कर की तीव्रता इतनी अधिक थी कि बाइक सवार कई फीट हवा में उछल गया। ये दृश्य देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं और घटना के चश्मदीदों ने यह बताया है कि कार की गति बहुत ज्यादा थी और ये स्पष्ट था कि चालक ने नियमों का उल्लंघन किया है। हादसे के बाद ड्राइवर को तुरंत जमानत मिलने पर एक बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा हो रहा है, जिससे कई सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि ड्राइवर का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है, इसलिए उसे बिना किसी कठिनाई के जमानत तक मिल गई। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हो गया है और वो न्याय की मांग कर रहे हैं। कई लोगों ने तो सोशल मीडिया के ऊपर भी पूरे मामले को लेकर नाराजगी व्यक्त की है और ये कहा, यदि आरोपी आम नागरिक होता तो उसे इतनी जल्दी जमानत नहीं मिलती। और हादसे के चश्मदीदों ने यह कहा, उन्होंने देखा कि बाइक सवार ने अपनी जान बचाने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन कार की गति इतनी तेज थी कि वो बच नहीं सका। एक चश्मदीद ने यह बताया है कि उसने कार को गलत दिशा में आते देखा और तुरंत अपने दोस्त को चेताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना में पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा। मृतक के परिवार वालों का ये आरोप है कि पुलिस ने पूरे मामले को लेकर गंभीरता से कार्य नहीं किया है और आरोपी को जल्दी जमानत मिल गई। मृतक की मां कैमरे के ऊपर रोते हुए अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं और इस हादसे का जो सुखद पहलू है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर उस माँ के आंसू से बनता हुआ नजर आ रहा। गुरुग्राम में हुए इस हादसे में न केवल एक जीवन को समाप्त किया है बल्कि समाज के अंदर कानून व्यवस्था और न्याय प्राणी के ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। लोग अब ये जानना चाहते हैं क्या वास्तव में राजनीतिक के संबंधों के कारण आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है या फिर सिर्फ एक ही एक सहयोग है। इस घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या हमारी सड़कें और हमारे कानून वास्तव में सभी के लिए सामान्य हैं? इस प्रकार गुरुग्राम का ये हादसा न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी है बल्कि ये समाज में व्याप्त असमानता और कानून के प्रति अविश्वास का प्रतीक भी बन रहा है।